आपके अब्बा जान का ख्वाब बहुत जल्द हकीकत बनेगा। हिंदुस्तान की दहलीज पर खड़े हैं। आपकी किस्मत को अंजाम देने के लिए जो रास्ते दूसरों ने चुने उन पर चलना आपको पड़ा। उन रास्तों ने आपको तकलीफें भी बहुत दी। हमारे अब्बा हुजूर ने हमें फरगाना में हिंदुस्तान का ख्वाब दिखाया था, और जब तक हम उनका एक ख्वाब हासिल न कर लें हम फरगाना में ही रहेंगे। हुस्न के जजीरों रूप के किनारों पर रेशमी अंधेरे हैं, सुरमई उजाले हैं। एक नाज़ आफ़रीन दिल कब्ज़ा जमाए बैठी है, जिसकी झील आंखों में दो नील गूं से प्याले हैं। हम भी जाएंगे हिंदुस्तान जरूर। अभी चले गोले दागो। बदन तो चलनी है और रूह पर छिछाले हैं, कैसे जान पाओगे इश्क में क्या गुजरी है, कितने जख्म खाए हैं, कितने दर्द पाले हैं, ख्वाहिशों के जंगल में नाकामी की यही सजा। समरकंद फरगाना किसी किसी की हिफाजत नहीं कर पाया। पूरे आवाम के बारे में सोचो क्या फिर से सबको बेघर करके जंगलों में भटकेंगे? जिस सल्तनत की हुकूमत हमारी किस्मत में लिखी थी, जिसे हमारे पर दादाओं ने घर कहा था, ना वो सल्तनत हमारी रही और ना ही घर। अब हमारी अगली मंजिल भी ऐसी हिंदुस्तान। प्रभु जी को पैगाम है, हिंदुस्तान पर उसके हुकूमत के दिन पूरे हो गए। हुस्न को सराहेंगे दिलबारे इंसान, तारीख जिनके चेहरे हैं। फरगाना तो जा चुका, अब समरकंद भी शैबानी खान के हवाले कर देंगे, तो आप कहाँ जाएंगे? सब खा।